वेलकम टू इजी इंजीनियरिंग क्लासेस। आज के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के इस लेक्चर में हम एरर, फॉल्ट्स और फेलियर्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे और समझेंगे कि इन तीनों का क्या मतलब होता है और इन तीनों में बेसिक डिफरेंसेस क्या है। सो आज का बहुत ही इजी टॉपिक है। आई होप एट द एंड ऑफ द लेक्चर यू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट दीज थ्री टर्म्स मीन व्हेन वी टॉक इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एरर के साथ। एरर बेसिकली हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं या फिर दो पर्सपेक्टिव होते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट एरर, एंड दोज टू पर्सपेक्टिव्स आर एरर कैन आइदर रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल ऑब्जर्व्ड आउटपुट एंड द करेक्ट एक्सपेक्टेड आउटपुट। तो एरर तब अकर होता है जब देर इज whenever there is a difference between the output that we are getting from the software and the output that we expected from the software. तो जो actual output आया है और जो required output था, अगर वो match नहीं करते तो हम कहते हैं कि error है हमारे program में या error है हमारे software में। और दूसरा perspective क्या है जब हम error की बात करते हैं? Another perspective to error is it refers to the human action that results in software containing fault or defect। इसका मतलब हुआ कि जब सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होता है तो ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ या मिस्टेक्स जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर में फॉल्ट या डिफेक्ट आता है, उस ह्यूमन एक्शन को भी हम एरर कहते हैं। तो ऐसी कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी जिसकी वजह से एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व्ड आउटपुट में डिफरेंस है और उसका रिजल्ट बेसिकली एक फॉल्ट या डिफेक्ट होता है सॉफ्टवेयर में, उसे हम एरर कहेंगे। तो ये सेकंड वाली डेफिनेशन आपको आगे और क्लियर हो जाएगी जब मैं फॉल्ट की डेफिनेशन आपको सर एक्सप्लेन करूँगी। तो आइए फॉल्ट क्या होता है वो जानते हैं आप। Fault is basically a condition that causes a system to fail in performing its required functionality. अब आपको पढ़ने में ये error से similar ही लग रही होगी, लेकिन actually fault और failure बहुत closely related हैं। इसलिए आपको fault को जब समझना है, आपको ऐसे समझना होगा कि fault is like a characteristic या फिर it is a attribute of a software and it is a static attribute. It does not depend on the execution. And when the software fails to meet its expected functionality या requirements जो उस पर impose की गई थी at the beginning of the SDLC cycle, तब हम कहते हैं कि ये software faulty है. So basically it is a condition that causes the system to fail. System या software जब सही तरीके से function नहीं कर रहा, वो कंडीशन जो इस इनकरेक्ट बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसे हम फॉल्ट कहते हैं। तो फॉल्ट इज बेसिकली इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है, या ऑफ द सॉफ्टवेयर। एंड इट इज व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक? इट इज अ स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। अभी आप ये एक एक पॉइंट समझते जाइए। जब हम फेलियर करेंगे और फॉल्ट, फेलियर और एरर में मैं रिलेशन बताऊंगी एंड में, तब आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि इन तीनों को डिफरेंशिएट कैसे करना है। अभी आप ये समझिए कि एक्चुअली क्या क्या डेफिनेशन में आता है इन तीनों टर्म्स की, ठीक है। तो एक तो हो गया कि फॉल्ट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सॉफ्टवेयर एंड इट इज अ स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक मतलब प्रेजेंस ऑफ अ फॉल्ट डज नॉट रिक्वायर द एग्जीक्यूशन। अगर फॉल्ट प्रोग्राम में प्रेजेंट है तो फेलियर अकर होगा, लेकिन फेलियर की प्रेजेंस को वेरीफाई करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करना पड़ता है, इसलिए हम फेलियर को एक डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। लेकिन फॉल्ट इन इट्सेल्फ इज अ स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक एंड इट इज ऑल्सो नोन एज सॉफ्टवेयर बग। कई बुक्स में आपको इसे फॉल्ट को एज अ सॉफ्टवेयर बग भी रेफर किया जाता है, ठीक है, नोन एज सॉफ्टवेयर बग। अब फॉल्ट के बाद आते हैं फेलियर पे।
Failure is the inability of a system to perform a required function according to its specification. And failure occurs when fault is present in the system. अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई प्रोग्रामर एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा था या कोड कर रहा था, उसने कोई ऐसा एक्शन परफॉर्म किया, यानी उसने कोई मिस्टेक करी जो कि एरर जिसे हम कहेंगे, जिसकी वजह से सिस्टम में एक फॉल्ट प्रेजेंट हुई, यानी एक सिस्टम में एक फॉल्ट एंटर हुई, और जब ये फॉल्ट एग्जीक्यूट होगी तब सिस्टम फेल होगा। यानी एक सॉफ्टवेयर या एक सिस्टम में बहुत सारी फॉल्ट्स हो सकती हैं, लेकिन जब तक वो फॉल्ट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी तब तक वो डोरमेंट पड़ी रहेंगी, तब तक फेलियर अकर नहीं होगा। लेकिन जब भी कोई ऐसा इनपुट दिया जाएगा जो कि फॉल्टी होगा, या फिर जो फॉल्ट को एक्सरसाइज कर रहा है, या फिर फॉल्टी केस को एग्जीक्यूट कर रहा है हमारे प्रोग्राम में, उस केस में फॉल्ट विल रिजल्ट इनटू अ फेलियर। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं प्रेजेंस ऑफ अ फॉल्ट डज नॉट गारंटी अ फेलियर। बट एट द सेम टाइम, ठीक है, बट अ फॉल्ट इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर अ फेलियर। सो इट इज अ नेसेसरी कंडीशन बट नॉट सफिशियंट कंडीशन। अगर आपको ये स्टेटमेंट में थोड़ा भी डाउट है तो मैं अभी आपको दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। ये बेसिकली, अगर फॉल्ट प्रेजेंट होगी सिस्टम में तो फेलियर हो सकता है, लेकिन सिर्फ फॉल्ट के प्रेजेंट होने से ही हमेशा फेलियर होगा ये ज़रूरी नहीं है। अगर 10 तरह की फॉल्ट प्रेजेंट है लेकिन यूज़र कभी ऐसा इनपुट नहीं देता जो कि किसी भी फॉल्टी केस में या फॉल्टी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करे सिस्टम में, तो कभी हमारा फेलियर नहीं अकर होगा। इसलिए हमने कहा कि फेलियर तभी अकर होगा जब कोई ना कोई फॉल्ट को एग्जीक्यूट करा। तो ऑब्वियसली फेलियर अकर होने के लिए हमें फॉल्ट चाहिए, लेकिन सिर्फ फॉल्ट नहीं चाहिए, उसकी एग्जीक्यूशन भी चाहिए। दैट इज़ व्हाई फॉल्ट इज अ नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन। और इसके अलावा अगर आप फॉल्ट और फेलियर को कंपेयर करें तो फेलियर इज अ कैरेक्टरिस्टिक, या फिर इट इज अ एट्रीब्यूट ऑफ प्रोग्राम बिहेवियर, इट इज नॉट अ एट्रीब्यूट ऑफ प्रोग्राम इट्सेल्फ। ठीक है, यह आपको याद रखना है। व्हाई वी आर सेइंग इट इज एन एट्रीब्यूट ऑफ प्रोग्राम बिहेवियर, क्योंकि अ फेलियर अकर्स ओनली व्हेन अ फॉल्ट इज एग्जीक्यूटेड। अ फेलियर अकर्स ओनली व्हेन अ फॉल्ट इज एग्जीक्यूटेड, या एन इनपुट इज एंटर्ड दैट एग्जीक्यूट्स द फॉल्टी केस। ठीक है, एंड वॉट काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इट इज, इट इज अ डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक। फेलियर इज अ डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक या डायनामिक एट्रीब्यूट। तो फॉल्ट और फेलियर में ये दो तो मेजर डिफरेंसेस हैं ही। आप इन तीनों को ऐसे भी समझ सकते हैं कि वेन एवर अ प्रोग्रामर कमिट्स एन एरर, इट लीड्स टू अ फॉल्ट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ दैट फॉल्ट रिजल्ट्स इन अ फेलियर। तो अगर हम फेलियर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि कोई ना कोई प्रोग्रामर ने गलती करी होगी, तभी हमारा एक्चुअल और ऑब्जर्व्ड आउटपुट सही नहीं आ रहा, और उसका रीज़न ये है कि प्रोग्राम में या सॉफ्टवेयर में कोई फॉल्ट प्रेजेंट है। सो दैट वाज ऑल अबाउट एरर, फॉल्ट एंड फेलियर्स। आई होप यू गेट अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट दीज थ्री टर्म्स मीन। Thank you for watching the video. If you like the video, please share it with your friends and hit the bell icon to get our latest notifications for more upcoming videos on software engineering and other computer science related subjects. Thank you.